प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह आवे तो प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद चलो। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मैं तो चलूंगा, पर ये जो मेरे जो गांव के जो लोग हैं इनको मैं कैसे छोड़ करके जा सकता हूँ? ये भी तो मेरे साथ में आपका दर्शन कर रहे हैं, ये मेरे सब गांव के लोग, इनको भी साथ में लेना है। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद ये कोई नहीं जाएगा, ये कोई नहीं जाने वाला। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ऐसे कैसे जाएंगे, आप कहिए तो सही। तो नरसिंह भगवान ने सब गांव के लोगों से, प्रहलाद जी के गांव के लोगों से नरसिंह भगवान ने कहा कि लो भैया स्वर्ग का विमान आया हुआ है, चढ़ो। कौन कौन जाना चाहता है? जोशी जी, गोवर्धन जी, स्वर्ग का विमान आया हुआ है, बोले कौन कौन जाना चाहता है? बोले भैया जाना तो चाहते हैं पर अभी तो दो दिन बड़ा काम है, शादी है। तो प्रभु अगर आप विमान दो दिन बाद में भेजते तो कोई विचार करे, अभी तो जरूरी ससुराल में शादी है, अभी तो उस शादी में जाना जरूरी है। अरे अभी तो बच्चों का ब्याह भी नहीं किया, उनका ब्याह कर दे फिर भले ही भगवान उठा ले। अरे अभी तो पोती का ब्याह देखना है। यानी कि आदमी इतना मूढ़मती है कि स्वर्ग का विमान भी अगर आया हुआ हो, भगवान स्वयं ले जाने को ले आए, तो आज का व्यक्ति इतना तृष्णा में बंद है कि विमान स्वर्ग से भी आ जाए, वैकुंठ से भी आ जाए, तो वो जाने को तैयार नहीं है।